हेलो फ्रेंड्स, तो जो मेरी आज की वीडियो है ना, तो उसमें बताने वाला हूँ कि कोड कैसे क्लीन कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे, तो लाइक वाइक डिसलाइक वाइक कर देना। ठीक है, तो ये जो बेसिकली वीडियो होगी, हो सकते हैं इसके एक दो पार्ट बन जाए, और क्योंकि एक भी बताऊँगा तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और कि इसमें जो मैं कवर करने वाला हूँ, नेटवर्क का थोड़ा सा कवर करने वाला हूँ कि नेटवर्किंग को हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं अलग कर करके कोड वोड। पहले ही बता देता हूँ कि लोग, मतलब जैसे हम गिटहब के कई एक दो प्रोजेक्ट देखे हैं, तो वो क्या करते हैं, एमवीसी का भी प्रो वर्जन यूज़ करते हैं, पर वो नीचे से। जैसे दिखा देता हूँ कई क्या करते हैं। जैसे कॉल एपीआई करके कोई फंक्शन बना दिया, और इसमें क्या किया, लेट यूआरएल इज इक्वल टू में यूआरएल करके स्ट्रिंग, और जैसे इसमें ही https www.google.com, ये क्लास में ही चल रहा है सारा कुछ काम ना, एक ही क्लास में। और फिर यहाँ पे ये रिक्वेस्ट बनाई यूआरएल की, यूआरएल क्वेस्ट बना दी, और यहाँ पे जो सॉरी यूआरएल जाता है, तो यहाँ पे हमने यूआरएल बनाई है, और यूआरएल सेशन डॉट शेयर डॉट डेटा टास्क, और रिक्वेस्ट में हमने रिक्वेस्ट बनाया ही है। और कंप्लीशन होता है किसका, इसका हम डेटा कंप्लीशन है, इसका डेटा है, ये रिस्पॉन्स है, और ये एरर है। ठीक है, अब देखो बेसिकली एक एरर आई जो बिगिनर लेवल के होते हैं, मतलब जो भी अभी आए हैं डेवलपमेंट में, तो उन्हें ये वार्निंग सबसे पहले दिखती है ना। और सबसे ज़्यादा ये रह जाते हैं कि उन्हें दिखता है सबसे पहले ये ऑप्शनल ना, ये तो उन्हें समझ आता नहीं कि गार्ड लेट क्या होता है ना, ये तो उन्हें समझ आता नहीं पहली बात। ये और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखती है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में उन्हें ये पता नहीं रहता कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या डालना है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में उन्हें पता नहीं रहता क्या डालना है। तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं, उसके बाद उन्हें एक और चीज़ दिखती है। देखो पहले तो गार्ड लेट उन्हें दिखता है, वो उन्हें पता नहीं, ऑप्शनल भी नहीं पता। थर्ड दिखती है फोर्स अंडर, ये फोर्स अंडर, इससे तो फोर्स अंडर से जितना दूर रहे ना वही सही है। मतलब पहले दिन अगर इससे नाता तोड़ ले तो बहुत ही अच्छा है। देखो ये इसको अवॉइड करने के लिए हम गार्ड लेट इफ्लेट यूज़ करते हैं, नल चेक्स यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर पहले से काफ़ी सारी वीडियो बनी पड़ी है, तो वहाँ जाके देख लो कि गार्ड लेट क्या होता है, इफ्लेट क्या होता है ना। तो इसके ऊपर तो मैं वीडियो मे भी ना बनाऊँ, तो इससे तो मतलब दूर रहो, नहीं तो क्योंकि ये ऐप को इतनी जगह से फाड़ता है ना, ये सिर्फ नाम है फोर्स अंडर, फोर्स अंडर इतनी जगह से फाड़ेगा ऐप को, भूल जाओगे कि अब डेवलपमेंट भी कुछ है, ढूंढते रह जाओगे, फटती रहेगी अब चारों तरफ से। ये आपने किया नॉर्मली, और यहाँ से फिर रिस्पॉन्स आने के बाद ना लोग क्या करते हैं कि लेट सॉरी डेटा आया, ये जो रिस्पॉन्स है आपका ना, उसको डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिक्शनरी फॉर्मेट में मतलब इस तरह से, डिक्शनरी फॉर्मेट में स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर स्ट्रिंग से, मतलब उनके अकॉर्डिंग है कैसे उन्हें डेटा पार्स करना है। वो डेटा करके फिर क्या करते हैं कि डेटा लेट लेट आईडी इज इक्वल्स, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सभी एमबीसी वाले ऐसे यूज़ करते हैं, पर एक दो प्रोजेक्ट मैंने गिटहब पे पढ़े थे आज, तो उसके बेसिस में मैंने वीडियो बनाई है। तो इसमें से आईडी निकाल लेते हैं ना, आईडी निकाला और डेटा निकाला। अब फिर से यही आया ना फोर्स अंडर, देखो ये ऑप्शनल तो पता नहीं रहता नॉर्मली, यही यूज़ करते हैं क्यों, फोर्स एंड ज़्यादा बढ़िया लगता है ना, क्योंकि ना तो कोई वार्निंग देता ना कोई एरर देता, तो इससे तो बच के रहो पहली बात। इसी को ना थोड़ा सा सेग्रीगेट और थोड़ा सा क्लीन तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो नेटवर्क कॉल, माना कि एमवीसी में सारा काम एक ही फाइल्स के अंदर होता है, पर हम नेटवर्क को थोड़ा सा अलग रख सकते हैं, अलग इन द सेंस कि मतलब यूआरएल अलग, बेस क्लास अलग। जैसे दिखा देता हूँ कैसे, नेटवर्क मैनेजर, हमने नेटवर्क मैनेजर बनाई, और इसको भी ना एक ग्रुप के अंदर क्रिएट करके देख लो, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मतलब क्या है, जितनी भी नेटवर्क से रिलेटेड काम होगा वो इसी क्लास के अंदर आएगा। न्यू फाइल बनाई हमने और यूआरएल बना, एक क्लास बना दी यूआरएल करके ना, इसके अंदर यूआरएल क्लास के अंदर हम अपने यूआरएल्स मैनेज कर सकते हैं। जैसे बेस यूआरएल है,
के का मतलब की है यहाँ पे ना, की ऑफ बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल हमने मान लिया कि यहाँ पे https://www.google.com, यहाँ पे हमने बेस यूआरएल मैनेज कर लिया। अब नेटवर्क मैनेजर में हम क्या करते हैं कि क्लास बनाई एक हमने नेटवर्क मैनेजर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे। अब कई क्या करते हैं ना कि जितने भी API कॉल्स होंगे, मतलब यूजर्स की API है, रजिस्ट्रेशन की API है, डैशबोर्ड की API है, ये किचन की API, मतलब किसी तरह की API, अगर 50 API तो 50 फंक्शन बना देते हैं। नहीं तो क्या करना है ना आपको, इतना अपना फंक्शन जो नेटवर्क क्लास है ना, इतनी अच्छी बना के रखनी है कि मतलब उसमें एक ही फंक्शन करे, सारा काम कर दे, मतलब सारी API वही कॉल कर दे। मतलब जेनरिक ही रिक्वेस्ट पैरामीटर्स हों और जो रिस्पॉन्स आए वो भी जेनरिक ही हो, मतलब ऑटोमेटिक वो आपके मॉडल में पार्ट्स हो जाए। वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में कि नेटवर्क मैनेजर क्लास को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने बना लिया स्टैटिक इसलिए बना दिया कि रेफरेंस ले सकें कॉल API। अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल API करेंगे और यहीं पे ये ऑन सक्सेस रिटर्न करेगा। अगर मान लो कि फेलियर है तो ऑन फेलियर भी यही रिटर्न कर देगा। इस फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन नहीं होना जो कि API कॉल करे, मतलब पूरे ऐप में जितनी भी API कॉल्स होंगी वो इस फंक्शन के थ्रू होंगी। अब देखो कई API पोस्ट होती हैं, कई गेट होती हैं, कई डिलीट होती हैं, कई होती हैं, वो सारी इसी के अंदर मैनेज में बताऊंगा कैसे मैनेज होती हैं। जो जेनरिक टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं वो भी बताऊंगा। मतलब जेनरिक मतलब कई क्या करती हैं कि API मॉडल्स रिक्वायर्ड हैं, मॉडल में पार्स करके भेजेंगे किसी का मॉडल यूज़र टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है, किसी का डैशबोर्ड टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम सबको पार्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दिया नेटवर्क मैनेजर क्लास, यहाँ पे मैंने बना दी URL क्लास, और यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू रीलोड से कॉल नहीं करेंगे और एक NetUI करके एक फंक्शन बना लेंगे और यहाँ पे हम कॉल करेंगे। यहाँ से भी कॉल करने की ज़रूरत है तो मे भी ना करें, क्योंकि नेटवर्क कॉल्स के लिए ना एक अलग सेग्रीगेट कर लें मार्क के थ्रू नेटवर्क कॉल्स, है ना। और यहाँ पे फिर एक्सटेंशन बना लें किसी का, व्यू कंट्रोलर का बनाया और यहाँ पे लिख दें API कॉल। अब यहाँ पे लिख दो network manager.call API, इसका सक्सेस आएगा और इसका फेलियर आएगा। और यहाँ से कॉल कर लो फिर API कॉल, और यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करा दो NetUI। तो API कॉल करने का ये सही तरीका है कि मतलब यहाँ से ले जाओ नेटवर्क कॉल्स ले जाओ, उसका सक्सेस या फेलियर आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब सक्सेस या फेलियर देखो, अभी तो मैंने कुछ पार्स नहीं किया, ना तो मैंने यूज़र का डेटा आ रहा है, ना स्ट्रिंग आ रही है, ना डैशबोर्ड आ रही है, कुछ नहीं आ रहा, बस एक क्या है मैंने क्लोजर के थ्रू सक्सेस और फेलियर बनाया। अब देखो मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि API कॉल कैसे करते हैं और उसे अपने मतलब रिक्वायर्ड डेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लो कि अलग अलग मॉडल्स में। नहीं अब मान लो कि कई केसेस में क्या होता है ना कि MVC है, तो MVC में तो सारा काम एक ही क्लास के अंदर होता है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई कोर फंक्शनलिटी आपकी ऐप की एक फाइल एग्जीक्यूट कर रही है तो मे बी उसके 4,000 से 5,000 लाइन्स हो सकते हैं उसमें। तो क्या करना है ना कि आपको उसी की एक एक्सटेंशन बना लेनी, मतलब एक्सटेंशन इन द सेंस मैं बताता हूँ। आपने एक व्यू कंट्रोलर तो नहीं बनानी, स्विफ्ट फाइल बनाएंगे, और जो भी आपकी क्लास को आपको सेपरेट करना है वो यहाँ पर करता हूँ। व्यू कंट्रोलर प्लस में एक्सटेंशंस, मान लो कि आपकी कोई एक बड़ी क्लास, मतलब एक छोटी क्लास है, उसको मतलब सेग्रीगेट करना है, मतलब उसके कोड को, तो यहाँ से उठा के कोड को यहाँ लिख दो, मतलब एक्सटेंशन इसमें रख दो, आधी एक्सटेंशन इसमें रख दो, तो क्या है कि कोड थोड़ा सा क्लीन रहेगा, है ना, कि MVC है, क्योंकि आप जितना कोड क्लीन कर सकते हो वो ठीक रहेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में तो बस यही बताया कि मैंने नेटवर्क कॉल्स कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कि नेटवर्क मैनेजर बना सकते हो, URL के लिए अलग URL क्लास बना सकते हो, और मतलब काफ़ी बेसिक लेवल की कोडिंग की है मैंने इसमें, नहीं क्योंकि क्लीन करना बताया है बेसिकली मैंने ना। एक मैंने आज GitHub पे एक प्रोजेक्ट देखा था तो उसी से आइडिया लग गया कि जब GitHub पे ऐसा प्रोजेक्ट पड़ा है तो मे भी हो सकता है कि एक दो लोगों को नहीं आता हो करना थोड़ा बहुत क्लीन। तो बेसिकली बेसिक या फिर जो बिगनर लेवल के हो सकते हैं तो वो थोड़ा सा इससे रेफरेंस ले सकते हैं। 2 या 3 वीडियो डालूंगा मैं इसकी क्लीनअप की ना, तो उसमें आ जाएगा समझ।
एक्चुअल में कैसे API कॉल करेंगे और अपना डेटा पार्स कर लेंगे विदाउट किसी स्टिक्शनरी के और कीज़ के। बेसिकली मतलब हमारे प्रोजेक्ट में ना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, रेड कम से कम होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो एक सेपरेट फाइल में होनी चाहिए, प्रिंट स्टेटमेंट भी एक सेपरेट फाइल में होनी चाहिए, डीबग की एक सेपरेट फाइल में होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट एक सेपरेट फाइल में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस डबल कोट्स कम से कम होना चाहिए फाइल के अंदर, डबल कोट्स और कमेंटेड कोड रिमूव करते रहना चाहिए। तो बेसिकली छोटी ही वीडियो है, ठीक है, तो अच्छी की लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके, थैंक यू।